के आउटफिट में हमेशा दिन रात का अंतर रहता है। गाइस देखो चोर कैसे भागते हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी कितने टाइम हो रहे हैं, 1 बज रहा है शायद, 1:12। हाँ तो अभी 1:12 बज रहे हैं। तो अभी हम सो के उठे हैं और आज का जो व्लॉग है वो ऐसे ही नॉर्मल व्लॉग है। तो अभी हम पहले तो कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। आज वो सरप्राइज़ है, हम लोग कहाँ जाएंगे वो सरप्राइज़ है। तो चलो, ये कल हमारी ग्रैंड पार्टी हो रही थी तो ये सारे उसके लिए जो हमने साफ़ नहीं किए, और ये हम लोगों ने कल दूध वगैरह पिया था, एक गिलास, एक कप तो मेरे उसमें ही है तो वो इसका है, और ये कल रात में पिज़्ज़ा बच गया था, 2 स्लाइस बच गए थे इसके। तो कनिष्का कनिष्का का वो था, कनिष्का इज सो टैलेंटेड। देखो जी वाजी भाई, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। और ये दाल मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में बन गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा घटिया बन गई थी। तो नहीं, घटिया तो नहीं बनी थी, अच्छी बनी थी पर बहुत ज़्यादा एक्सेस में बन गई थी। और ये खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है इधर। आ रही हूँ ब्रश करने और अपना थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह कर दूँ, भाई साहब एकदम भूत सी शक्ल हो रही है। और उसके बाद हम किचन साफ, उसके बाद हम लोग घर साफ करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे बाहर। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होने वाला है। मेरे बाल ऐसे भूत से आ रहे हैं, मैं खुद भी ऐसी अजीब सी आ रही हूँ। गाइस इग्नोर माई दिस गंदी सी शक्ल। तो अभी ब्रश करने जाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अपना मुँह वगैरह धो के, सनस्क्रीन तो मैंने फिर अभी भी नहीं लगाई क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था, तो दैट से मैंने नहीं लगाई। 5-10 मिनट में फिर सारा काम करने के बाद मुझे फिर से अपना मुंह धोना पड़ेगा। तो अभी मैंने वो सारे के सारे जो मेरे बर्तन दिख रहे थे वो सारे के सारे मैंने धो दिए। और अभी मैं अपने लिए पास्ता बना रही हूँ। हाँ वैसे आलस तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट स्टिल बनाना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पास्ते में मैंने गलती से इतना सारा तेल डाल दिया, पता नहीं क्यों, मैं भी बहुत ज़्यादा पागल हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पास्ता, इतना सारा पानी ऑलरेडी, और ये बन गया है मेरा गीला पास्ता। गाइस आई डोंट नो हाउ टू कुक। गाइस मेरा टेस्टी टेस्टी पास्ता इज रेडी, देखो दिख रहा है आपको, पर ना ये ना मुझे लग रहा है ये ना कच्चा रह गया है, मतलब मैंने इसे अच्छे से बॉयल नहीं किया है, मेरे को इसकी वजह से कट भी लग गए हैं थोड़े थोड़े। वो चाकू है ना वो बहुत अजीब सा है इस वजह से। और ये तो देखने में भी ये पास्ता अच्छा नहीं लग रहा है यार, पता नहीं क्या ही बना दिया मैंने आज। और ये कच्चा अलग से है, ऐसे गीला गीला सा चिपचिपा सा, बट कुछ नहीं कर सकते, हमें खाना ही पड़ेगा। सारे बर्तन गिर जाते हैं, एक बर्तन निकालती हूँ ना सारे बर्तन गिर जाते हैं। ये तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा यार। सॉरी गाइस आई एम नॉट द वाइफ मटेरियल, बहुत गंदा पास्ता बना दिया, बहुत ज़्यादा गंदा पास्ता। अभी हम लोग हो गए रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने। मेरी शादी होने वाली है गाइस, तो उसकी शॉपिंग करने जा रहे हैं शादी। और ये मेरे साथ मेरी शादी में वो बनेगी, क्या कहते हैं, ब्राइड्स दूल्हा, दूल्हा दूल्हा नहीं तो दूल्हा बनेगी। मैंने इसका अपना जेंडर ही चेंज कर दिया, मुझे भी नहीं दिख रहा इधर। तो
अभी हम लोग जा रहे हैं और आज मैं आईफोन भी खरीदने वाली हूँ। यस गाइस, मेरी और क्या पहली इनकम का आईफोन, तो मैं सोच रही हूँ कौन सा खरीदूँ। आप लोग कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स करो। अगर तब तक नहीं खरीदा होगा तो आपके सजेशन। हाँ तो गाइस चलो हम चलते हैं। भाई साहब पूरा थप्पड़ मार रहा है मुंह पे, आंखें भी नहीं खुल रही मुझे तो। अच्छा आप बताओ मेरी आंखें कैसी लग रही है आज? पता है आज मैंने ना आधा घंटा लगाया अपनी आईज के वो करने के लिए। मेरा तो रोज़ 1 घंटा ही लगता है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आईफोन लेने, और लेने नहीं मतलब पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा है, फिर देखती हूँ क्या प्लान बनता है मेरे लेने का। और ये जा इसको अपने बाल कटाने, नहीं मुझे खुद काटने हैं, मैं खुद अपने बाल काटेगी। और इधर हम बहुत ज़्यादा काले काले आ रहे हैं। सो गाइस सॉरी, मेरी चप्पल देखो गाइस, और इसकी चप्पल देखो, ये यार चप्पल भाई, मतलब हम दोनों के आउटफिट में हमेशा दिन रात का अंतर रहता है। हाँ तो आप रात वाले दिन में पहन के क्यों घूमते हो? हाँ सो गाइस हम लोग देख के आ गए फुल, अब थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कौन सा लूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं सिटी मॉल, क्योंकि मुझे कुछ वहाँ से शॉपिंग करनी है, मतलब देखूंगी कि कुछ अच्छा होगा तो खरीद लूँगी, नहीं होगा तो कहीं पे और जाके देखेंगे जहाँ पे अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े मिलेंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कहाँ पे अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं, डेफिनेटली मैं उधर जाऊँगी अगर मुझे यहाँ पर अच्छे नहीं मिले तो। गाइस मेरी ना चप्पल टूट गई है, मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैंने ना जो कनिष्का पहन के आई थी मैंने वो पहन ली, और मैं इतनी गंदी लग रही हूँ, आई कांट टेल यू मैं कितनी ज़्यादा गंदी लग रही हूँ ये पहन के। भाई एकदम फर्स्ट क्लास चोरू लग रहा हूँ मैं। और मैं और तू कैसे चल पा रही है? सर मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट सी माई न्यू ट्रेंड यार। ये देखो ये टूट गई है, ये अभी फ्लैट है और उसमें हील है, और उसका जो पीछे वाला हील है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ आई डोंट नो गाइस मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों भाई साहब, मतलब एक चप्पल मेरी हील वाली और एक चप्पल मेरी पूरी फ्लैट है, और मुझे इतना गंदा लग रहा है ना इतना चलने में, सभी लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने कौन सा नया ट्रेंड लॉन्च कर दिया बाजार में। अब फटाफट से चलते हैं और सबसे पहले चप्पल लेकर आते हैं। गाइज इधर हम लोग आ गए पाव भाजी खाने, और आपको पता है यहाँ पे ना कपड़ों की बिल्कुल भी अच्छी कलेक्शन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे मुझे चाहिए वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। तो अभी हम लोग इधर पाव भाजी खा रहे हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑनलाइन मंगा दूँ कपड़े, बस आ जाए थोड़े टाइम तक तो फिर वो चीज़ बेटर रहेगी। और पता है मैंने हील्स ना कुछ ज़्यादा ही ऊँची ले ली भाई साहब, मुझे चला भी नहीं जा रहा, एक अंकल मुझे टोके चले गए, कहते बेटा आपने क्या मरना है? मैंने कहा क्या है ना अंकल थोड़ी सी ना हाइट छोटी है उसकी वजह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइज, ये देख सकते हो आप कितनी ऊँची हील्स होगी ये, और इसकी देखो गाइज। अभी हम लोग फिर से बाहर आ गए एटीएम तक, मतलब बाहर ही थे, बाहर आने की क्या ज़रूरत है। तो अभी हम लोग पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए गाइज, सभी लोग मुझे आईफोन खरीदने, सभी लोग मुझे पैसे दो, तो इसने पैसे निकाल दिए है। सो गाइज हम लोग मिस्टर DIY में, और कनिष्को के चश्मा बड़ा पसंद आ गया है, वो बिल्कुल कूल बन रही है खुद को इसको पहन के। गाइज मैंने इसे तोड़ दिया इसका चश्मा, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। बिल्कुल कमाल कर दिया जी, चुप हो जा मेरी धड़कने पड़ती है, मैं भी आ गई। गाइस देखो चोर कैसे भागते हैं, क्या है उनका गुलदस्ता किस्मत। गाइस मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे कनिष्का के साथ चॉकलेट डे मनाना पड़ रहा है, और मैं खिला भी चॉकलेट मनवा भी रहा हूँ तो खा नहीं लिया, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती पर हाँ तेरे लिए खा लूँगी, इसके लिए अपने दांत जरूर मैं दांतों में कीड़े ज़रूर लगा दूँगी। सो गाइस आज मुझे बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है, और
पता है मैंने इतनी ऊँची ऊँची हील्स पहन के आई हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है यार। तो अभी हम लोग ब्राउनी खा के हम जाएंगे वापस घर। पता नहीं क्या हो गया मेरे गले को, तो अभी कितने दिनों से मैं बस बाहर का खाना खा रही हूँ, कोई घर का खाना नहीं खा रही, खुद से कुछ भी नहीं बना रही हूँ। कल से मैं अपने स्ट्रिक्ट रूटीन पे होगी, कल से मैं खुद बनाऊँगी, रात में भी दिन में भी, और हर टाइम बाहर से बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी कभी भी। सो गाइस, मैंने सारा खाना पीना सब कुछ कर दिया है। अब मुझे ना गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आई डोंट नो मैंने क्या उठपटांग कुछ खा लिया होगा उसकी वजह से। तो आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।